हेलो दोस्तों, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम लोग पिछले 10 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जैसे हमने कल किया था। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता है हम लोग कैसे इसमें कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन रहेगा बिल्कुल मेरी भाषा में, लेकिन आपको कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में। काम बहुत ज़्यादा है, वक्त है बहुत कम, चलिए स्टार्ट करते हैं। आनंदीबेन पटेल को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ये गवर्नर नियुक्त हुई थी मध्य प्रदेश राज्य की, आज की डेट तक भी बनी हुई है, इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इस समय दो स्टेट की गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की गवर्नर बनी हुई है, प्रेसिडेंट जी ने इनको बनाया था अगस्त में जो इनकम्बेंट गवर्नर थे छत्तीसगढ़ के, उनका निधन हो गया था आकस्मिक, तो उसकी वजह से इनको बनाया गया है। अब बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस गवर्नर का निधन हो गया था जिसकी वजह से इनको उस जगह का एडिशनल चार्ज दिया गया है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ध्यान में रखते हुए हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही होगा अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संदर्भ में सीईसी ने कोई भी रिकमेंडेशन अपनी दी है। तो ये ऑप्शन आपका सही है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। जो आपके एमएलएस वाला मैटर हुआ था उससे लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन होती है अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संदर्भ में है तो प्रेसिडेंट बाउंड है उसको मानने के लिए, ये आप इसमें याद रख सकते हैं। अदर दूसरे केसेस हो सकते हैं, जैसे अगर सीईसी चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर ही लें। सो इस क्वेश्चन में आपके पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बनाई गई थी, इनका नाम है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई बनी हुई थी जब बनाई गई थी यहाँ की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये पेप्सिको की बनी हुई थी एमडी सीईओ, और आपको बता दें सितंबर में इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था अपने पद से। ये एमडी भी नहीं हैं अब और ना ही सीईओ हैं इस समय पेप्सिको की। पेप्सिको में नए सीईओ और एमडी आए थे, उनका नाम है रेमन लगवाटा। वुमेन इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैचेस में सबसे पहले 200 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी बनी? ये बनी झूलन गोस्वामी भारत की तरफ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले कप्तानी भी करती थी इंडिया की। झूलन गोस्वामी पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, ठीक है, तो एक तरफ उसमें झूलन की तस्वीर थी, एक तरफ विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीर थी। इस डाक टिकट को जारी किया था पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने, ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं इस पूरे मैटर में। प्रोजेक्ट भोग किसका है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रोजेक्ट भोग है FSSAI का। FSSAI का प्रोजेक्ट है, ये किससे संबंधित है? टू इंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक रसद एंड फूड्स एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जहां पर भी हम लोग जाते हैं पूजा करने, खासकर ये मंदिरों की बात यहां पर की जा रही है, तो जो ऑफरिंग्स लेकर के जाते हैं, जो प्रसाद लेकर के जाते हैं, ये इंश्योर करना कि आप प्रसाद अगर वहां से खरीदते हैं तो आपको वहां से दुकानों से काफ़ी सही हाइजीनिक प्रसाद मिले। प्रोजेक्ट भोग का एक फुल फॉर्म है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। आप ध्यान रखेंगे FSSAI प्रोजेक्ट भोग का फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। अगला क्वेश्चन हमारा सी बॉक्स के बारे में है, तो इसको स्टेटमेंट से डील करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है सी बॉक्स के बारे में, ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं पोर्टल है, इस पर कंप्लेंट्स दर्ज की जा सकती हैं वुमेन्स के द्वारा अगर वर्क प्लेसेस में उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या मोलेस्टेशन या कुछ भी होता है ऐसा। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये कहता है कि इसको लॉन्च करा गया था 2017 में, और जिस वेबसाइट पर शी बॉक्स उपलब्ध है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है। तो आपके स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं पहले और तीसरे, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। शी बॉक्स का फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रख लेना, शी बॉक्स का मतलब होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस इसका फुल फॉर्म है। और बेसिकली ये पोर्टल है जहाँ पर वुमेन शिकायत कर सकती हैं और अपनी कंप्लेंट स्टेटस को ट्रैक भी कर सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि किस कंट्री की आर्मी ने ऑपरेशन सिनाई 2018 शुरू किया था? नाइल डेल्टा के पास, नाइल रिवर के डेल्टा के पास, नॉर्दर्न सिनाई पेनिनसुला के पास, तो किसने किया था? इजिप्शियन आर्मी ने किया था, यानी कि इजिप्ट की आर्मी ने। पूरा प्रकरण आप नहीं ध्यान रखेंगे, अब इतना समय नहीं है, फैक्ट वाली चीज़ें पर फोकस करते हैं। यूएस की किस फीमेल लीडर ने लगातार रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर काफ़ी बड़ा, 8 घंटे तक स्पीच देने का पोडियम में खड़े होकर के, केवल पानी पी करके, बिना किसी ब्रेक के, केवल पानी के सहारे 8 घंटे स्पीच देने का रिकॉर्ड बनाया था यूएस की लीडर नैन्सी पेलोसी ने। छोटा सा रिकॉर्ड है, ध्यान रख सकते हैं इसको, जनरल नॉलेज के पर्पज़ से भी हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप यानी PMRF स्कीम के तहत अनाउंस करा गया था कि कितनी
PMRF स्कीम के तहत यहाँ पर मेरिटियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि कितने लोगों को लाभ दिया जाएगा कुल मिलाकर, ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका। 1000 लोगों को दिया जाएगा यहाँ पर मेरिटियस स्टूडेंट्स को, और किन किन लोगों को दिया जाएगा थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, आप एक बात ध्यान रख लीजिए इसमें कि सबसे पहली बात ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD की स्कीम है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और किन किन को मिलती है, कितने कितने मिलती है, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही मिलती है जो अपने फाइनल ईयर में होते हैं या तो कंप्लीट कर चुके होते हैं अपनी मास्टर डिग्री, उनको रिसर्च के लिए मिलती है। एलिजिबिलिटी कुछ है यहाँ पर, जैसे CGPA 8 से कम नहीं होना चाहिए 10 पॉइंट्स के स्केल में। फेलोशिप का अमाउंट देख लेते हैं, फेलोशिप आप देखेंगे फर्स्ट ईयर मिलती है 70,000, सेकंड में भी 70,000, थर्ड में भी 75,000, फिर फोर्थ में 80,000, फिर 80,000, और अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर आपको मिलते हैं टोटल 10,00,000 रुपए, 2,00,000 पर ईयर यहां पर रिसर्च करने के लिए, ये रिसर्च ग्रांट के रूप में। तो ये यहां पर टोटल इसके बेनिफिट हैं, ये स्कीम HRD मिनिस्ट्री की है, ये आप इसमें याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का ग्लोबल होस्ट कौन था, ये भारत था हमारा देश, आप जानते हैं काफ़ी न्यूज़ भी रहा था। इसकी थीम ध्यान रखेंगे हमेशा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, अगर डे पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से पैलेस क्वीन हम सफ़र की शुरुआत की थी, ये काफ़ी एक अच्छी ट्रेन है, काफ़ी हाई फैसिलिटी वाली ट्रेन है, ये किन दो सिटीज़ को कनेक्ट करेगी, ये मैसूर से उदयपुर के बीच चलेगी और काफ़ी सारे स्टेशन से कर्नाटक के कवर करने वाली है, ये आप इसमें याद रखेंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा वतन को जानो प्रोग्राम किस राज्य के यूथ के लिए चलाया गया था, ये आपसे पूछ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए या फिर यूथ के लिए आप कह सकते चलाई गई थी स्कीम, जिसमें 200 के करीब यूथ को आइडेंटिफाई किया गया था जो या तो आतंकवाद के शिकार हुए या तो वीकर सेक्शन से आते हैं सोसाइटी के, उनको भारत दर्शन करवाया जाएगा, उनके बताया जाएगा कि भारत का हेरिटेज कितना रिच है वगैरह वगैरह। और इसके तहत इन्होंने मुलाकात की थी दिल्ली आकर के यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि वतन को जानो स्कीम किसने चलाई थी, ये चलाई थी होम मिनिस्ट्री ने, किस राज्य के यूथ के लिए चलाई थी, जम्मू और कश्मीर के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है, भारत दर्शन करवाया गया था इनको। किस राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए गए हैं पहली बार, किस राज्य में क्विक ट्रायल के लिए पोचर्स के लिए, पोचर्स यानी कि शिकारी जो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं उनके खिलाफ जल्दी ट्रायल करने के लिए, जल्दी उनको सजा देने के लिए, उनके केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां पर खोले गए हैं, असम में। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस 2018 फेब में आयोजन हुआ, भारत में हुआ था किस सिटी में, ये हुआ था हैदराबाद में, ठीक है। काफ़ी सारी सबमिट्स यहीं पर कवर कर ले रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो सबमिट्स का एक और सेपरेट वीडियो भी कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। US में ये कुछ यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे मार्च फॉर आवर लाइव्स के नाम से, मार्च फॉर आवर लाइव्स यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, किसके सपोर्ट में, जो गन कंट्रोल के प्रोविजन आए थे उसके सपोर्ट में, ठीक है। इतना फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, पूरे इवेंट को ध्यान रखने की आपको आवश्यकता अभी नहीं है। इस्मैन एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया था, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ये एयरलाइन किस देश की है, ये एयरलाइन काम करती है ईरान में। आर्कटिक सनराइज नाम से एक वस्तु न्यूज़ में थी, ये क्या चीज़ थी, ये ग्रीन पीस की एक रिसर्च वीजल थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जहाज था ये ग्रीन पीस का आर्कटिक सनराइज, आप इसमें बस इतना ही ध्यान रखें। दारंगिरी नाम का जो मार्केट है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा केलों का मार्केट है, बनाना मार्केट, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है असम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ में लायचा वैरायटी का एक चावल पाया जाता है जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ निहित हैं जिससे कैंसर के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैंसर टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल टिश्यूज़ को नुकसान किए बिना। तो ये किसने रिसर्च किया था, ये IGKV ने किया था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये रायपुर में पड़ता है। इन्होंने कुछ वैरायटी खोजी थी महाराज जी इलायचा और गतवान करके, ये कुछ ऐसे चावल हैं जिनसे क्योर कर सकते हैं कैंसर को और बिना ज़्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचाए हुए। तो बस आप इसमें याद रख सकते हैं कि इलायचा क्या है, ये इलायचा चावल है, किसने खोजा, IGKV ने, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, रायपुर में। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का मेन सिंगल इवेंट किसने जीता है, मेन सिंगल इवेंट का टाइटल जीता है जॉर्डन थॉम्पसन ने और फाइनल में इन्होंने इंडियन प्लेयर को हराया था यूकी महाम्बरी को। कावेरी डिस्प्यूट पर जो लेटेस्ट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा पानी किस राज्य को मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा तमिलनाडु को, ये ओवरऑल हम बता रहे हैं, ये मत देखिएगा कि लेटेस्ट डिसीजन में अधिक किसको मिला है, ओवरऑल अधिक किसके पास है पानी, पूरा शेयर ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है, तमिलनाडु के पास है।
कर्नाटक को कितना पानी मिलेगा, लेटेस्ट जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का 16 फेब 2018 को, ये 284.75 TMC मिलेगा। ये आप नंबर ध्यान रख सकते हैं, नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार ये कावेरी रिवर पर ट्रीटी कब साइन की गई थी स्टेट ऑफ मैसूर में और मद्रास प्रेसिडेंसी में कावेरी वाटर की शेयरिंग के लिए, काफ़ी पहले 1892 में। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1990 में। अब हमको इस पूरे प्रकरण में उस राज्य को आइडेंटिफाई करना है जिसका कावेरी वाटर डिस्प्यूट से कोई भी लेना देना नहीं है, तेलंगाना का कोई मतलब नहीं है इससे। कावेरी वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों के बीच है उनका नाम आप कमेंट्स में लिख करके बताएं। 8वें थिएटर ओलंपिक का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, हमने हिंदी वाले में देखा था। इसका आयोजन किसने किया था, इसका आयोजन किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। नेशनल बनाना फेस्टिवल 2018 कहां पर मनाया गया, ये केरल के शहर में मनाया जाएगा ऑफकोर्स, तिरुवनंतपुरम में। मध्य प्रदेश के किस जिले में, आपको बताना है कि स्टेट का पहला बटरफ्लाई गार्डन शुरू किया गया था। बटरफ्लाई गार्डन रायसेन नाम की जगह पर शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्टेट पीसीएस, एमपी वाले स्टेट पीसीएस के लिए। उत्तर प्रदेश वालों ध्यान रखो, आपके कानपुर में पड़ता है बटरफ्लाई गार्डन, देश का मतलब प्रदेश का एकमात्र और पहला। ये कानपुर में पड़ता है, मेरे घर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बात मुझे आज पता चली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला ग्लोबल NRI सेंटर कहाँ पर खोला था, ये खोला था केरल कोच्चि में, ठीक है, इतना ही ध्यान रखेंगे इसमें। सेंट्रल ट्राइबल मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि 562 और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे इंडिया में। आपको बताना है इसमें कि एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल की स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी 1998 में, हालांकि पहला स्कूल बाद में खोला गया था सन 2000 में, आप ये ध्यान रखें इसके बारे में। ट्राइबल मामलों के मंत्रालय के द्वारा समर्थित स्कूल होते हैं। इनमें से किस देश में जेडेक नाम की भाषा की खोज की गई थी जो केवल 280 लोगों के द्वारा बोली जाती है। जेडेक एक अनोखी लैंग्वेज है, इसको मलेशिया के 280 लोग बिल्कुल के बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम DACA किससे संबंधित है, किस कंट्री से, ये संबंधित है US से, काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये चीज़, ध्यान रखें इसके बारे में। DACA डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है US का। फेब 2018 में नई दिल्ली में सबमिट हुई थी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट, इसका आयोजन किसने करा था, इसका आयोजन करा था द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TERI ने। उत्तर प्रदेश के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट पर सर ने वीडियो बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा बार बार लगातार, उससे क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। एक फैक्ट उससे लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट में जो आया था 16 फेब 2018 को, इसमें फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया था इस वर्ष के लिए जो चल रहा है 2018-2019, ये किया गया था 2.9% ऑफ GDP, 2.9% ऑफ GDP, इसको और स्पेसिफिकली हम लिखें तो ये हो जाएगा 2.96% ऑफ GDP। साइरिल रामफोसा बने थे किस देश के प्रेसिडेंट, ये बने थे साउथ अफ्रीका के और इन्होंने जैकब जुमा की जगह ली थी जो काफ़ी दिन से यहाँ पर ऑफिस में बने हुए थे। किस देश के PM ने अभी एक अनोखी तरह का ऑर्डर पास किया था जिसके तहत उस देश के कैबिनेट मिनिस्टर अपने पर्सनल स्टाफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे, ये किसने कहा था, ऑस्ट्रेलिया के PM ने। ऑस्ट्रेलिया के PM इस समय कौन है प्रेजेंट में, आप नाम लिख करके कमेंट्स में बताएं, तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख सकते हैं, अनोखा सा फैक्ट। GDP के असेसमेंट के लिए अब बेस ईयर बदल दिया गया है, पहले 2011 हुआ करता था, अब ये क्या होगा, अगली बार से बेस ईयर रखा जाएगा GDP एस्टिमेशन के लिए, साल 2017-2018, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें इसको। हमारे देश का कौन सा राज्य वो पहला राज्य बना है जिसने स्पॉन्सर किया है हमारे देश की हॉकी टीम को, हॉकी मेन्स टीम को इन्होंने किया है ओडिशा राज्य की सरकार ने। अभी हाल में चर्चा में रही जो गाइडलाइंस हैं OIE गाइडलाइंस, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है एनिमल डिसीज़ कंट्रोल से। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017, ये किताब किसको मिला था, ये मिला था इंडियन ओरिजिन के संजीव बजाज को। आयुष्मान भारत के मिशन डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, आयुष्मान भारत के मिशन डायरेक्टर हैं दिनेश अरोड़ा। अगर आपसे पूछें आयुष्मान भारत के CEO कौन हैं तो होंगे इंदुभूषण, ठीक है, इंदुभूषण आपके CEO हैं और मिशन डायरेक्टर हैं श्री दिनेश अरोड़ा। नॉस्ट्रो अकाउंट चर्चा में रहते हैं, इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये एक अकाउंट होता है जो इंडियन बैंक इस्टेब्लिश करता है फॉरेन करेंसी के हिसाब से किसी ओवरसीज़ बैंक में, और ओवरसीज़ बैंक के लिए वो अकाउंट उनके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, ठीक है, तो ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मैंने इसको समझाने में कोई गलती की है तो आप लोग बेशक बता सकते हैं, मेरी इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं है।
फेब 2018 में यहाँ पर प्रधानमंत्री बदल गए थे हमारे पड़ोसी देश नेपाल के। 15 फरवरी 2018 को ये 41वें बने थे खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, ध्यान रखेंगे इनका नाम। पीएम ये बन गए थे और री इलेक्ट हुई थी यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। तो इन दोनों के नाम एटलीस्ट आप याद रख सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ के हेड्स के नाम आपको वैसे भी पता होने चाहिए। इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो फेस्टिवल, भारत का पहला रेडियो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? ऑफकोर्स इस तरह का फेस्टिवल होगा नई दिल्ली में। IISS मिलिट्री बैलेंस 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड में डिफेंस बजट के मामले में, यानी कि रक्षा उत्पादों पर खर्च करने के मामले में भारत किस नंबर पर आता है, लिस्ट में कितने नंबर पर आता है? ये आता है 5th रैंक पर। IISS मिलिट्री बैलेंस नाम से रिपोर्ट पब्लिश करता है और ये क्या है, ये थिंक टैंक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहाँ का है? UK का है और इसने लिस्ट बनाई यहाँ पर देशों की जो सबसे ज़्यादा रक्षा उत्पादों पर खर्चा करते हैं। तो टॉप पर रखा गया US को, फिर चाइना का नंबर, फिर सऊदी अरब का, फिर रशिया का, फिर इंडिया का। तो टॉप पर कौन है और इंडिया की रैंक क्या है, बस इतने आप ये याद रख सकते हैं। रिपोर्ट का नाम मिलिट्री बैलेंस 2018 है, इसको पब्लिश करता है UK का एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में कितने रुपए का स्कैम यानी कि घोटाला सामने आया था और ये काफ़ी चर्चा में रहा था, 11,000 करोड़ रुपए का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन इसके पीछे है, आप सभी जानते हैं, हर कोई जानता है। पोलर म्यूज़िक अवार्ड 2018 ये किस देश का है, ये कहाँ पर दिया जाता है? ये दिया जाता है स्वीडन में, ये आप इसमें याद रखेंगे क्योंकि ये एक ऐसा अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट है जो मैंने मिस कर दिया था अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के डेडिकेटेड वाले वीडियो में। रिसेंटली सरकार ने एंटी नारकोटिक्स स्कीम को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, 2018, 2019, 2020 तक के लिए। इसको शुरू कब किया गया था? इसको शुरू किया गया था 2004 में। हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने फ्लैग ऑफ किया था जल मिट्टी रथ यात्रा को। इसका पर्पस ये था कि जो यज्ञ कुंड बनवा रहे थे, रक्षा यज्ञ कुंड इंडिया गेट के पास, तो उसमें जगह जगह से जल और मिट्टी लेकर के आई जाएगी, तो वहाँ पर वो कुंड बनवाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका ऑर्नामेंटल पर्पस से था, इसका कोई ऑफिशियल लेना देना नहीं किसी स्कीम से, किसी इंपॉर्टेंट कैंपेन से, इतना ही आप इसमें याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट जी ने एग्रीकॉन की शुरुआत कहाँ से की थी, बस इतना ही आपसे पूछ सकते हैं। एग्रीकॉन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कानपुर से हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर की, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी एग्रीकॉन 2018 की, ये आप इसमें याद रखेंगे। रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार जो हलफनामा दिया जाता है अपनी आय दिखाने वाला, तो उसके अनुसार इस समय हमारे देश के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर कौन है? सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर हैं चंद्र बाबू नायडू, ठीक है। और अब तक के सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर आके गए थे माणिक सरकार, ठीक है। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार सबसे कम आय वाले चीफ मिनिस्टर आके गए थे माणिक सरकार, इनकी आय कुल मिलाकर करीब 26 लाख रुपए के करीब बताई गई थी। साहित्य एकेडमी के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? साहित्य एकेडमी के नए प्रेसिडेंट बने हैं चंद्रशेखर कुमार, ठीक है। अपॉइंटमेंट वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्री चंद्रशेखर कुमार बन गए हैं साहित्य एकेडमी के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट। सेमा फॉर नेटालिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये। इसमें क्या होता है, ये DNA स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बहुत तरह की बीमारी एक ही टेस्ट से डिटरमाइन कर सकता है। इसके बारे में बताया जाता है कि करीब 193 तरह के डिजीजेस का स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है एक सिंगल गो में, एक सिंगल टेस्ट के हिसाब से। ये एक इंडिपेंडेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की खोज है या फिर कह सकते हैं कि उसका वर्क है, जिसका नाम है, इसी नाम में छिपा हुआ है, सीमा फोर करके इसका नाम है, और सीमा फोर नेटालिस इस टेस्ट का नाम रखा गया है। करीब $650 खर्च करके इस तरह का टेस्ट करवाया जा सकता है और छोटे से बच्चे में उसके आगे आने वाले 10 साल के अनुवांशिक गुणों की खोज भी की जा सकती है। ये ऐसा DNA स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आने वाली बीमारियों की भी फोरकास्टिंग की जा सकती है। रिसेंटली LPG पंचायत कहाँ पर हुई थी? ये राष्ट्रपति भवन में हुई थी। इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि पहली LPG पंचायत कहाँ पर हुई थी, या फिर इसका लक्ष्य कितना रखा गया है कि कितनी LPG पंचायत हमको करवानी है इस पर्टिकुलर डेट तक। ये दोनों चीज़ आप कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। पुराने वीडियोस अगर आप हमारे देखते हैं तो आप, हमने आपको ज़रूर बताया है, मैंने खुद बताया है। ये लिख करके बताइए कमेंट्स में कि LPG पंचायत सबसे पहली कहां पर आयोजित हुई थी और इसमें करते क्या हैं बेसिकली। अभी हाल ही में किस कंट्री ने J20 स्टील्थ फाइटर को अपने एयरफोर्स में शामिल किया है? J20 स्टेल्थ फाइटर एक बेसिकली एयरक्राफ्ट है, काफ़ी पावरफुल, और ये USA के पास होता था एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हाई एंड एयरक्राफ्ट, और इसको ख़रीदा था या फिर अपने एयरफोर्स में शामिल किया था कह सकते हैं चाइना ने। तो काफ़ी ये न्यूज़ में चीज़ रही थी, आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में।
खाली यूएस के पास हुआ करता था और ये एशिया का पहला कंट्री बना था जिसने इसको अपने एयरफोर्स में शामिल किया था। फेब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में पहले हिंदू टेंपल की नींव रखी थी, पहले हिंदू टेंपल का शुभारंभ किया था यूएई में, ठीक है, यूएई में किया गया था। अभी बीच के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश से 3 टाइगर जो है ट्रांसलोकेट किए जाने थे सतकोशिया टाइगर रिज़र्व में। सतकोशिया टाइगर रिज़र्व आप कहाँ देखेंगे, ये आप देखेंगे ओडिशा में। ओडिशा में सतकोशिया टाइगर रिज़र्व है। ओडिशा के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, भीतरकर्णिका नेशनल पार्क और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। किस कंट्री की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग गिर के ढह गई थी साइक्लोन गीता के कारण, गीता नाम के साइक्लोन के कारण पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ढह गई थी, ये किस देश में ढह गई थी? ये फिजी में ढह गई थी, आपको मैं बताऊं। यहाँ पर रेड से टोंगा भी लिखा हुआ है, टोंगा में बिल्डिंग नहीं गिरी थी, टोंगा में काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त किया था गीता ने, लेकिन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग गिरने की रिपोर्ट आई थी फिजी से ही, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। गीता को दोनों ही देशों से नुकसान हुआ था, फिजी को भी टोंगा को, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। पोस्टल डिपार्टमेंट ने या फिर कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल तरह का डाक टिकट जारी किया था उस पर्सन के नाम जिसने पहली बार रसगुल्ला क्रिकेट क्रिएट किया था, ठीक है, सबसे पहली बार रसगुल्ला बनाया था जिस व्यक्ति ने, उसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। इन व्यक्ति का नाम है नबीन चंद्र दास। नेशन वाइड सीज फायर एग्रीमेंट NCA किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है म्यांमार से। म्यांमार की डिफैक्टो लीडर हैं आंग सांग सू की, काफ़ी सारे पुरस्कार इनसे छीन लिए गए हैं और लेटेस्ट में इनसे मानद नागरिकता छीन ली गई है कनाडा के द्वारा दी गई, ध्यान रखेंगे इसको। थर्ड डिफिकल्ट डायलॉग फोरम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 9 फेब को, ये हुआ था गोवा में। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर मेरे ख्याल से सर ने वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, उससे सवाल ज़रूर 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 आएंगे आपके UPSC प्रीलिम्स में, कोई भी आ सकता है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसमें, तो एक फैक्ट इसमें से लिया हमने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिपोर्ट की गई है मैंग्रोव कवर की, यानी कि मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा किस राज्य में बढ़ा हुआ पाया गया है पिछले 2 सालों में? 82 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर हो गया है, ये कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, ध्यान रखेंगे। मैंग्रोव कवर में बढ़ोतरी किस राज्य ने की है पिछले 2 सालों में लगातार? महाराष्ट्र ने। कुछ नहीं तो 2 बेसिक फैक्ट आपको ज़रूर पता होने चाहिए इसके बारे में, फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना पाया गया था इस रिपोर्ट में? 24.39%, रट लीजिए इसको, ये आ सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन, 24.39% ये पाया गया था फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला करके पूरे इंडिया में। और अगर केवल फॉरेस्ट कवर की बात कर लें तो कितना पाया गया था, कमेंट्स में लिख करके बताइए हमको। इसी रिपोर्ट में अगर आपसे पूछे कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर पाया गया है, तो ये पाया गया है लक्षद्वीप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनमें से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक क्रिश्चियन कन्क्लेव हुआ था, रिलीजियस मीटिंग, मैरमन कन्वेंशन के नाम से? मैरमन कन्वेंशन हुआ था केरल में। केरल में कहाँ पर हुआ था? ये पाठनमिथन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पाठनमिथन डिस्ट्रिक्ट वही है जहाँ पर आपका सबरीमाला टेम्पल पड़ता है। किस देश की सिटी काउंसिल ने अनाउंस किया था कि जितने भी अमीर लोग हैं, वेल्दियर होम ओनर हैं, उनको जितना टैक्स निर्धारित किया है वहाँ की सिटी काउंसिल के द्वारा, उससे अधिक टैक्स देना चाहिए गिल्ट टैक्स के रूप में, ठीक है, गिल्ट टैक्स के रूप में टैक्स देने को बोला था लंदन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, पेक्यूलर भी है, अजीब सा है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जितना टैक्स देना होता है उससे ज़्यादा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या फिर कह सकते हैं डोनेशन की जाने की बात कही थी जितने भी वेल्दी लोग हैं लंदन के सिटी काउंसिल में, वहाँ पर गिल्ट टैक्स के रूप में, ठीक है, गिल्ट टैक्स। पूछ सकते हैं कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये आप ध्यान रखें UK लंदन में, बस इतना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नए निर्देशों के अनुसार अगर कोई नया थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता है एक्सटेंशन यूनिट को छोड़ करके, तो उसकी अधिकतम दूरी एक कोल फील्ड से कितनी हो सकती है? ये स्पेसिफाई की गई थी 500 किलोमीटर एक कोल फील्ड में, और एक आपके नए थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम दूरी 500 किलोमीटर की रहनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। इनमें से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने सबसे ज़्यादा बैड लोन कमाया था, कितने का? 20,339 करोड़ रुपए का वर्ष 2016-2017 में रिकॉर्ड्स के अनुसार, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैड लोन्स के मामले में टॉप पर है। ये किसने टॉप किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अक्षय कुमार की नई फिल्म जो आई थी बैडमैन, वो किसके जीवन पर आधारित है? ये अरुणाचलम मुरुगनंथम के जीवन पर आधारित बनाई गई थी। इंडिया और साउथ अफ्रीका की बायलेटरल सीरीज़ में एक ODI, एक वनडे खेला गया था पिंक ODI के नाम से,
पिंक जर्सी में खिलाड़ी उतरे थे यहाँ पर। तो पिंक ओडीआई का मकसद क्या था, ये फंड जुटाना था यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए। हम लोग 10 फरवरी को क्या मनाते हैं, 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डी वार्मिंग डे। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस राज्य ने निकाले, ये हरियाणा ने निकाले हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2018 को देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें स्टेटमेंट्स के माध्यम से देखते हैं। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये कहता है कि इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो इसको पब्लिश करता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि इंडिया की रैंक यहाँ पर 44वीं रही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर टॉप कर दिया है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। इंडिया की रैंक यहाँ पर 44वीं ना होकर के कितनी है, इंडिया की रैंक है इस बार 57वीं रैंक है इंडिया की। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, और लगातार भारत इम्प्रूव करता आ रहा है खुद को। 2015 में 81 रैंक, 2016 में 66वीं रैंक, 2017 में 60वीं, और अब की बार 57वीं रैंक इंडिया को मिली है। टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, फिर नीदरलैंड का नंबर आता है स्वीडन का। इतनी लंबी लिस्ट नहीं रटनी होती इसमें, टॉप पर कौन रहा ये इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड रहा, इंडिया की रैंक 57वीं इस बार। और इस पब्लिश ये कौन पब्लिश करता है, हमने देखा इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो इसको पब्लिश करता है। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी प्रोग्राम न्यूज़ में था, ये किस कंट्री से संबंधित है, ये यूएस से संबंधित है। इनमें से किस यूनिवर्सिटी ने पहली बार ग्रो किए थे ह्यूमन एग्स लेबोरेटरी में, ठीक है काफ़ी लंबी प्रोसेस है इसको नहीं बताऊँगा मैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने ऐसा प्रयोग किया था यहाँ पर, ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, इन्होंने ग्रो करने का काम किया था ह्यूमन एक्स को लेबोरेटरी में। मोदी जी की जो किताब है एग्जाम वॉरियर्स, ये ओरिजिनली छपी थी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका हिंदी वर्जन किसने लॉन्च किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने। इंडिया ग्रेप हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया था, ये मनाया गया था महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। ओरुरा कार्निवाल जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था एक इनटेंजिबल हेरिटेज की कैटेगरी में, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है बोलीविया में। नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं, नेशनल साइंस डे हम लोग मनाते हैं फेब 28 तारीख को नेशनल साइंस डे जो अब की बार मनाया गया था, इसकी थीम रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। किस राज्य ने खुशी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पर रूरल में रहने वाली गर्ल्स के लिए, युवतियों के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसने की थी, ओडिशा ने। खुशी स्कीम जो संबंधित है सैनिटरी नैपकिन की, ओडिशा की है। महाराष्ट्र भी इससे संबंधित स्कीम लेकर के आया था, लगभग सिमिलर योजना, उसका नाम था अस्मिता योजना, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और 8 मार्च 2018 को गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी सैनिटरी नैपकिन शुरू की गई थी, कम रेट वाली, सब्सिडाइज्ड रेट पर बिल्डे वाली सैनिटरी नैपकिन, जिसका नाम था सुविधा, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाल आधार कार्ड किस कलर का शुरू किया था, ये ब्लू कलर का आधार कार्ड था, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ब्लू कलर का आधार कार्ड बनवाने वाले थे। हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ज़रूर आधार कार्ड, लेकिन अब लगेगा नहीं ज़्यादा कहीं, ये बात आप जानते हैं। स्वजल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, ये किस राज्य का प्रोजेक्ट है, ये है राजस्थान का। नवंबर 2018 में किताब आएगी जिसका नाम है बिकमिंग। किताब अभी सेल पर नहीं है, ये किताब है मिशेल ओबामा की, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, मिशेल ओबामा इसकी लेखिका हैं। किताब का नाम है बिकमिंग। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा ने लॉन्च करा था वायरल लोड टेस्ट को फेब 2018 में, ये किस डिसीज़ के ट्रीटमेंट से संबंध रखता है, ये संबंधित है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स से। वायरल लोड टेस्ट के बारे में जान लीजिए कि ये नॉर्मल पर्संस का डायग्नोसिस नहीं होता है, ये PLHIVs का होता है यानी कि पीपल लिविंग विद HIVs, ऐसे लोग जो HIV में अपना जीवन काट रहे हैं उनके लिए होता है वायरल लोड टेस्ट। और सरकार ने वादा किया था कि ये फ्री में मिल सकेगा सभी को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा PLHIVs पर्सन को। PLHIVs इस टेस्ट के माध्यम से असेसमेंट कर सकते हैं कि जो उनका एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट चल रहा है कितना हद तक कारगर हुआ है, उनके शरीर को HIV ने कितनी क्षति पहुंचाई है, और एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट की स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह। अगला भी क्वेश्चन एड्स से रिलेटेड ही है, इसमें हमको बताना है क्वेश्चन में कि किस डिसीज़ से संबंधित है प्रोजेक्ट 90:90:90। प्रोजेक्ट 90:90:90 प्रोजेक्ट है UN का, UN एड्स कार्यक्रम का है ये, और एड्स से संबंधित है ये। इसके लक्ष्य हैं 3, 90:90:90 लक्ष्य से संबंधित है। 2020 तक UNAIDS का मानना है कि 90% लोग ये पता कर सकेंगे कि उनके HIV का स्टेटस क्या है, 90% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी मिल सकेगी सस्टेन तरीके से कम पैसे में, और
90% PLHIVs में फ़ायदा भी देखने को मिलेगा इस एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी से, यानी कि कुल मिलाकर वो लोग एक सहज जीवन जी सकेंगे इस थेरेपी के माध्यम से। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 68वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन बियर पुरस्कार किस फिल्म को गया है? ये गया है टच मी नॉट नाम की फिल्म को। 23वें विंटर ओलंपिक 2018 के बारे में स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है इसका आयोजन हुआ था प्योंगचांग में, जो कि पड़ता है साउथ कोरिया में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया ने कोई भी मेडल यहाँ पर नहीं जीता था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हैं। प्योंगचांग विंटर ओलंपिक 2018 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट कौन रहा था, कमेंट्स में लिख सकते हैं आप। अगले विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? ये होगा बीजिंग में, और बीजिंग ऐसा कंट्री बन जाएगा जिसने समर और विंटर ओलंपिक का आयोजन साथ में किया रहा होगा, यानी कि एक बार समर का ही कर चुका है बीजिंग और अब की विंटर का कर लेगा। समर का कब किया था इसने? 2012 में, और 2022 में विंटर का कर लेगा। तो ये ऐसा देश बन जाएगा जिसने समर और विंटर ओलंपिक दोनों का आयोजन किया हो।